अध्याय दो। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चुनौती देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। वे संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हों, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की कौन आ पाकर लज्जित हों। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। वे चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्ववासी निकलें कि सब बातों में हमारे उद्धार करता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हम उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए।